Now next reaction of alcohol is its acid-base reaction. So acid-base reaction of alcohol, acid-base reaction. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं और अल्कोहल वीक एसिड होते हैं, बहुत स्ट्रांग एसिड नहीं होते. तो अल्कोहल पर अगर स्ट्रांग बेस का रिएक्शन कराया जाए तो अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये अल्कोहल है ROH. अगर मैं इस पर सोडियम या पोटेशियम जो कि बेसिक होते हैं उसका रिएक्शन करा दूं तो यहाँ से H प्लस निकल गया, दिस इज RO माइनस Na प्लस, और जो एक हाइड्रोजन निकला वो हाफ एच टू के फॉर्म में निकल जाता है. उसी तरह से अगर मैं K से रिएक्शन कराऊं तो दिस इज RO माइनस K प्लस और हाफ एच टू मिल जाएगा. और अगर इसका रिएक्शन किसी मेटल हाइड्राइड से करा दें, जैसे कि मेटल हाइड्राइड का मतलब जैसे NaH. अब NaH में Na प्लस और H माइनस, तो H माइनस इसके एसिडिक H प्लस से रिएक्ट करके RO माइनस Na प्लस और कंप्लीट H2 एलिमिनेट कर देता है इस तरीके से. और KH से भी रिएक्शन करा दें तो KH में भी K प्लस H माइनस, नाउ वी विल फाइंड RO माइनस K प्लस एन एच टू इस तरीके से. और अगर इसका रिएक्शन अल्कोहल का किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से करा दें, जैसे मैं इसका रिएक्शन RMGX से करा दूं, RMGX दिस इज RMGX, RMGX में R माइनस बेस की तरह बिहेव करता है, तो अगर इससे रिएक्शन करा दें, या मैं RMGX की जगह CH3MgCl ले लूं और CH3 माइनस Mg प्लस, तो दिस इज RO माइनस MgCl प्लस एंड नाउ दिस इज CH4, ये मीथेन निकल गया. ऐसे अगर मैं PHMgBr ले लूं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, PH माइनस Mg प्लस, तो PH माइनस H प्लस लेके नाउ दिस इज RO माइनस दिस इज MgBr प्लस, और साथ में बेंजीन बन जाएगा. एल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक, तो इस पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एल्कोहल वीक एसिड है, इसलिए अगर एल्कोहल पर मैं अगर NaOH का रिएक्शन कराता हूँ तो NaOH वीक बेस है, वो इससे रिएक्शन नहीं करता है. तो एल्कोहल NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बनाता है, बट अगर एल्कोहल पर हम सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन करा दें तो उससे रिएक्शन हो जाता है. फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो फिनॉल NaOH से भी सॉल्ट बनाता है. साथ साथ ऊपर दिए गए जो सभी बेस थे, सोडियम पोटेशियम NaH KH, इन सब से भी वो सॉल्ट बना लेता है. दिस इज फिनॉल. इस पर अगर मैं रिएक्शन करा दूं NaOH का, नाउ दिस इज O माइनस Na प्लस, और अगर मैं इस पर रिएक्शन सोडियम का करा दूं या पोटेशियम का करा दूं या NaH का रिएक्शन या KH का रिएक्शन या किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का RMGX का, तो इन सभी से ये सॉल्ट बना के फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एज वेल एज फिनॉल.